से कुछ दिन पहले फांसीदेवा थाने की पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि फांसीदेवा के चेंगा नदी के किनारे कुछ लोग अवैध तरीके से रेत की तस्करी करने वाले हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने एक अभियान चलाया और इस अभियान के दौरान कुछ बदमाशों ने मिलकर प्रशासन की गाड़ी में आग लगा दी। हालांकि इस घटना के बाद किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, क्योंकि बदमाश मौके से इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इस घटना के बाद प्रशासन ने इस मामले में शामिल बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। इसी तलाशी के बीच प्रशासन ने दो लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिससे पूछताछ करने के बाद एक और व्यक्ति का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाते हुए उस तीसरे आरोपी को भी आज गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि कुछ दिन पहले पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ बदमाश फांसीदेवा के चेंगा नदी के किनारे अवैध रूप से रेत की तस्करी कर रहे हैं, जिस सूचना के आधार पर पुलिस ने एक अभियान चलाया और क्षेत्र में छापेमारी की। इस अभियान के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। इस घटना से उक्त क्षेत्र में भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिस वजह से मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हालांकि घटना के बाद से ही पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी और घटना में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मामले की जांच के दौरान फांसीदेवा थाने की पुलिस ने इस घटना में शामिल दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उन लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को एक और व्यक्ति का नाम पता चला, जिसके आधार पर आज सिलीगुड़ी महकमा के फांसीदेवा थाने की पुलिस ने इस मामले में एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अजीत टोप्पू के रूप में हुई है। उक्त व्यक्ति को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे की जांच में जुट गई है, साथ ही मामले में शामिल और भी व्यक्तियों की तलाश जारी है।